को छुए सवेरे मैंने नब्ज टटोला प्यारी का है, कुछ आँखों में नूर लक्ष्य ही जीवन की तैयारी का है। मैंने ठानी है कुपल को आह नहीं भरने दूंगा मैं, स्वयं जलूंगा पर अग्नि का मोल नहीं कमने दूंगा मैं। तो आज ये कहना था कि तीन भाग हैं वृक्ष के। एक जो ऊपर ऊपर रहने वाली डालियां और पत्ते, ये हवाओं में हिलोरे खाती हैं, चेहरे पर धूप मलती हैं, नाचती गाती हैं। यह भाग दिखता है सारी दुनिया को, अनजाने अननोन लोग खुश हो जाते हैं, तारीफें करने लगते हैं, तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं या एडमायर करते हैं तुम्हें। वृक्ष का दूसरा भाग तना है और कुछ अन्य डालियां जो नीचे नीचे रहती हैं, ढकी रहती हैं दूसरी डालियों और पत्तों से, इन तक धूप कम ही पहुंचती है। ये थोड़ी चंचल, थोड़ी गंभीर है, ये अपने अस्तित्व की सच्चाई के थोड़ा और करीब है। ये एक प्यारा मिश्रण है अपने स्थिर अस्तित्व और अपनी सांसारिक उपस्थिति का। ये भाग देख पाने का सौभाग्य बहुत कम जीवों को होता है। वही जीव जो असल में तुम्हारे आसपास रहते हैं, दोस्त होते हैं तुम्हारे, या होते हैं तुम्हारे अपने, तुम्हारे परिवार का हिस्सा, तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं। ये इक्के दुक्के लोग तुम्हें नाचता गाता देखने के अलावा तुम्हें मायूस और मौन भी देख पाते हैं। वृक्ष का तीसरा भाग है उनकी जड़ें जो भूमि के नीचे हैं, जो दिखाई नहीं देती, जो दुनिया से छिपी हुई है, पर वो जीवन का स्रोत है। उन जड़ों से ही तुम हो, प्राण स्रोत हैं वो तुम्हारे, तुम्हें जो तुम बनने की ताकत देते हैं, तुम्हें जो तुम बनाते हैं, वो सच्चाई है तुम्हारी, जहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारी कोरी सच्चाई है, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता, इसलिए कि कोई तुम्हारी बारीकी तक आ ही नहीं पाता, जहां तुम किसी को यूं ही आने भी नहीं देती, इसलिए क्योंकि जिन्हें आने देना चाहा, उन्होंने तुम्हें पछतावा ही दिया। पर सच में तुम तक पहुंच पाने के लिए वही स्थान है जहां पहुंचना जरूरी होगा, क्योंकि सतह को छूकर चले जाने का अर्थ ही क्या हुआ, खास करके तब जब मैं जड़ों तक आना चाहता हूं, उन बारीकियों को देखना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना चाहता हूं, वो नाखून के निशान देखना चाहता हूं जो देने कुछ अयोग्य जीव वहां चले आए थे तुम्हारी उदारता का फायदा उठाकर। जहां मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, कुछ ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कुछ वैसा है तो वैसा क्यों है, तुम कुछ कहती हो क्यों कहती हो, तुम ऐसे रहती हो तो क्यों रहती हो, जहां सब डिक्रिप्टेड और डिकोडेड है, जहां सत्य रखा हुआ है जस के तस, जहां शेल्व्स हैं और शेल्व्स पर रखी हुई हैं तुम पर लिखी किताबें, उन किताबों को पढ़ना चाहता हूं बेहिसाब समय लगाकर, सारे कामों से छुट्टी लेकर, दुनियावी जिंदगी को भूल कर वो किताबें पढ़ना चाहता हूँ, उनमें खो जाना चाहता हूँ, वहीं सो जाना चाहता हूँ, फिर उठना चाहता हूँ और वहां रोशनी करना चाहता हूँ, धूप और बारिश याद करना चाहता हूँ, तुम पर कविताएं लिखना चाहता हूँ और उन कविताओं में कहना चाहता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी सुंदर हो, और सुंदर हो तुम पूरी की पूरी, बस तुम्हारी इयररिंग्स नहीं। एंड ऑफ कोर्स पूरी की पूरी सुंदर कहने के अर्थ में केवल बाह्य सुंदरता नहीं, बल्कि भीतरी सुंदरता और तुम्हारी सुंदरता का वो सारा विस्तार आ जाता है जहां तक मेरी समझ जाती है। सुंदर हो तुम वैसी ही जैसी हो, मासूम हो, समझदार हो, खुश मिजाज हो, मौन हो,
दर्द में हो, यहां वहां जहां हो, पर जैसी हो वैसी ही खूबसूरत हो। फिर इन कविताओं को लिखकर, पन्ने पन्ने जोड़कर, एक किताब बनाकर, मैं एक अंधेरा कोना ढूंढकर, वहां एक दिया जलाकर, उस दिए की पीली सुनहरी रोशनी के पास ये कविताओं की किताब रख देना चाहता हूँ और बैठ जाना चाहता हूँ वहीं उस दिए के सामने आजीवन, उस दिए में घी भरते रहने के लिए। बस यही करूंगा, इतना ही करूंगा, ये कम लगे तो ठीक, बहुत लगे तो ठीक। मेरे प्रेम की यही परिभाषा है, मेरा प्रेम दीपक बनकर तुम्हें रोशनी देगा, तुम्हारे उन जड़ों के कमरों के अंधेरे कोनों में दिया जलाएगा और वहां एक किताब रख दिया करेगा जिसमें लिखी होंगी कविताएं जो हर पंक्ति में यही कहेंगी कि तुम जैसी हो वैसी ही खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत।